नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसको पकड़ने के लिए पुलिस बड़े जोर शोर से लगी हुई है। सुना उसके बारे में खबर देने वाले को कुछ इनाम भी मिलेगा। हाँ, मगर उसके बारे में पुलिस को कोई खबर क्यों करेगा? कानून और पुलिस भले ही उसे खूनी मानती हो, मगर हमारे और तुम्हारे लिए उसे नेक काम ही किया है ना। बिल्कुल, उसने जिनको मारा है वो गुंडे ही तो थे। अरे कुछ नहीं हुआ अब तक, इतने लोगों को मारने के बाद भी वो अब तक पकड़ा गया? शर्मा जी, मैं तो कहता हूँ सीएम साहब को इस काम के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी पड़ेगी। अरे वो तो बहुत ही शातिर और चालाक है, उसने एक एक करके चार लोगों की जान ले ली है, फिर भी पुलिस उसे छू नहीं सकी। ये क्या है, ये क्या है? मैं तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चारों तरफ बंदोबस्त बढ़ा दो, हर गाड़ी चेक करो, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे उस आदमी की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए, बस। जाना चाहते हो तुम मुझे? वो आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्जशीट कर चुकी है, जिसे तीन तीन कत्ल करके पूरे शहर में दहशत फैला रखी है, वो मुझसे अपना केस लड़ने की बात कर रहा है? तीन नहीं, चार चार खून किया है मैंने। लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं। पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है, मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। और खुराना साहब, आप जैसे काबिल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, मैं अदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुम जैसे खूनियों की पैरवी करने के लिए तालीम नहीं लिया मैंने। हालात जो भी रहे हो, खून किया है तुमने, गुनाह हुआ है तुमसे। कोई गुनाह नहीं हुआ मुझसे। मुझसे जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। उन चार लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नेक काम किया मिस्टर खुराना, और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना ही पुलिस से भागते हुए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और आप, आपके बारे में सब जानता हूँ मैं। कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूँ। अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त मत लो खुराना। साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़? हाँ, शराब पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है उससे मुझे इतराज नहीं है, मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ। जिस आदमी के पीछे पुलिस लगी है, जो पनाह के लिए शहर का एक कोना तलाश रहा है, वो 10 करोड़ का इंतजाम कहाँ से कर पाएगा? खुराना साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूँ तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और पुलिस को सरेंडर करो। विस्तृत समाचार इस प्रकार है। एक अपराधी विशाल अग्निहोत्री और पुलिस के बीच चल रही आंख मिचौली आज समाप्त हो गई। विशाल अग्निहोत्री ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अपराधी को चार बड़ी हस्तियों के कत्ल के मामले में चार्जशीट किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी। मिस्टर खुराना, विशाल को पुलिस के आगे सरेंडर करने का क्या यही मतलब है कि उसने ही खून किए हैं? आप गलत समझ रहे हैं।
विशाल के सरेंडर करने के पीछे ये है कि फिलहाल की परेशानी से बचता जाता है। सर आप अब तक अपने करियर में कोई केस हारे नहीं, इस केस में तो पुलिस पहले पुलिस के फाइल में नाम चढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी हो जाता है। इसका फैसला अदालत करेगी, आप इंतजार कीजिए सच्चाई सामने आ जाएगी। बस तुम्हें साइन करने हैं विशाल, कोर्ट में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है, 7 तारीख मिली है पहली सुनवाई की। मेरे ख्याल से ये मामला 4 तारीखों तक खींचेगा। मैंने तुम्हारी क्राइम ब्रांच शिफ्ट करवाने के ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए हैं, अब तुम यही रहोगे। यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं मेरे पहचान के, वो तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। बस अब तुम यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना, 23 में अगर तुम्हारा खुद पे काबू तो रहता ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्जशीट में कोई नई बात जुड़े। पहली कुछ तारीखों में मैं तुम्हें कोर्ट में हाजिर नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लगा दी है। हो सकता है पुलिस का कोई मेडिकल ऑफिसर तुम्हें एग्जामिन करने आए, तुम उसके साथ। आप बेफिक्र रहिए खुराना साहब, मैं यहाँ कोई गलती नहीं करूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्जशीट में कोई छोटी मोटी बात जुड़े। आप मुझे लेकर ऐसे ही परेशान हैं। हाँ विशाल, मेरे करियर का पहला केस है जिसे लेकर मैं वाकई परेशान हूँ। जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं देखी, शायद ये भी वजह हो सकती है। खुराना साहब, आपकी काबिलियत पर आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है, ये केस आप ही जीतेंगे। यकीन कीजिए, इस केस के बाद कानून के इतिहास में आपका नाम याद रखा जाएगा। भाई खुराना साहब ने तो कमाल ही कर दिया, पिछली तारीखों में क्या पुलिस की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने। अरे खुराना साहब जैसा वकील कभी कोई केस हार सकता है क्या? हाँ सही बात। विशाल अग्निहोत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जुटाए हैं पिछली 3 तारीखों से, मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस हर एविडेंस का तोड़ निकालते आए हैं। मिलॉर्ड, मिस्टर खुराना अपनी काबिलियत के दम पर झूठ को सच्चाई का लिबास पहनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मेरा प्रयास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसला ना सुना दे। विशाल जैसे खूनी को बाइज्जत बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर सिन्हा, इस केस के मुतल्लिक बातों से हट रहे हैं। यहां अदालत में यह कार्रवाई चल रही है कि विशाल अग्निहोत्री का इन 4 कत्लों से ताल्लुक है या नहीं। और मेरे काबिल दोस्त, बजाय इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर लॉर्ड, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं। पिछली तारीखों में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ कोई सबूत या गवाह जुटाने में ये नाकाम रहे हैं, और आज की तारीख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। परेशान होकर ये कुछ टटोलते हैं, तलाशते हैं और बातचीत के रुख को कहीं और मोड़ देते हैं। मिलॉर्ड, मैं पिछली तारीख के उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, 7 नवम्बर की ही रात एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके में एक रिक्शा वाले से टकराती है। वहां मौजूद विशाल अग्निहोत्री की नजर उस हादसे पर पड़ती है। वो भागकर उस रिक्शा वाले को पकड़ता है और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर पटेल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन शांतिनगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवालदार मात्री अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। इस कार्रवाई के दौरान विशाल को करीब 1.5-2 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में बिठाया गया है। मिलॉर्ड, इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं।
तरह साबित हो चुका है कि मेरे मुवक्किल का इनमें से किसी भी एक कत्ल में कहीं कोई हाथ नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये बेकसूर नौजवान अपने सर पर चार चार खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है। मिलॉर्ड, ये नौजवान पुलिस की जाती दुश्मनी का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नाना चौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहाँ उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी, जिसके लिए इसने चार रातें पुलिस लॉकअप में काटी। तब से नौजवान पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। फिर पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। बस मिलॉर्ड, मैं चाहता हूँ इस नौजवान के साथ और ज्यादती न की जाए। अदालत अपना फैसला सुनाकर इसे बाइज्जत बरी करे। अदालत में इस मामले की अब तक हुई कार्यवाही पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुलजिम विशाल अग्निहोत्री को कातिल माना जाए। वकीली सफाई की दलीलें और विशाल के बचाव में रखे गए सारे सबूत भी यही साबित कर रहे हैं, लिहाजा ये अदालत विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत। नहीं भागूंगा यहां से। मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब, जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहां पर, मार दिया इसे मैंने, और आप ये कुर्सी छोड़ दो। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप, और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। बेकसूर हूं मैं? नहीं, मैंने एक नहीं चार चार खून किए मैंने, और ये बात ये भी जानता था। अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे। इसे मालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में, जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं, उसकी आंखें खोली थी या बंद, ये सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहां पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहां पर। नहीं, यहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है, ऐसे ही, और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, बस मजा आना चाहिए, मजा। क्यों आ रहा है ना मजा? मजा लो मजा। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहेब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सब कुछ, बंद करो, बंद करो ये दुकान, बंद करो, और आप ले चलो मुझे, ले चलो मुझे काल कोठरी में। लेकिन मैंने जिसे भी मारा है वो सब इसके जैसे थे, ये हरामी जैसे लोग थे वो सब। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवन डोगरा साहेब? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैजिस्ट्रेट जयवन डोगरा साहेब, अच्छा
अदालत में अपने ही पक्ष के वकील को जान से मार देने की घटना ने सारे शहर को चौंका दिया है। कल अदालत की कार्रवाई के दौरान मुलजिम विशाल अग्निहोत्री ने अपने ही वकील जगदीश खुराना की हत्या कर दी। विशाल अग्निहोत्री, विशाल अग्निहोत्री, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। विशाल खुद किसी से नहीं मिलना चाहता। हमें आप अंदर जाने दीजिए, हम विशाल से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन विशाल किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, ना ही किसी से मिलना चाहता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम विशाल से फिर बात करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं। हम विशाल से मिलकर ही रहेंगे। मैंने कहा ना, आप में से कोई भी विशाल से नहीं मिल सकता। कई सामाजिक संगठनों और बड़ी हस्तियों की मांग पर सरकार विशाल अग्निहोत्री के केस के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर रही है। 15 सदस्यों वाली ये कमेटी विशाल के केस से जुड़े हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। देखो विशाल, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, बेशक ये तुम्हारी अपनी सोच है, अपना फैसला है, मगर तुम्हारा ये केस अब तुम्हारा जाति मसला नहीं रहा है। इस शहर के हर आदमी की जुबान पर तुम्हारा नाम है, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट की ईमानदारी पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं जानता हूं तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है। ये हालात हमारे सिस्टम ने ही तुम्हारे सामने खड़े कर दिए थे। ठीक है, तुमने चंद गलत लोगों को मारा है, लेकिन विशाल से कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला। कुछ और लोग भी हैं सजा के हकदार, जो कुर्सियों पर अब भी चिपक कर बैठे हुए हैं। विशाल, तुम्हारा ये केस कमेटी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ऑफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराइयों का साथ दिया है, वो लोग एक्सपोज होने चाहिए, उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए। विशाल, सिस्टम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है, कुछ अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं। उन्हीं की कोशिशों का यह नतीजा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पूरी तरह से खोया नहीं है। मैं और मेरे कई ऑफिसर्स कमेटी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और विशाल, मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो। ठीक है, कमेटी जो मुझसे पूछना चाहती है मैं बता दूंगा। कानून का एक और नया तमाशा देखने को मिलेगा डीजीपी साहब, लेकिन कमेटी को मिलने से पहले मैं अपने घर जाना चाहूंगा। विशाल अग्निहोत्री, डीजीपी साहब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा। मैं और मेरे साथी कानून और व्यवस्था के कई जिम्मेदार महकमों के साथ जुड़े रहे हैं। हमने कई संगीन अपराधों पर अपने फैसले भी सुनाए हैं। वैसे जुर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है, अपराध क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा यह पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हटकर सोचना पड़ रहा है। मिस्टर विशाल, तुम्हारे मामले के वो पक्ष जो पुलिस ने अदालत के सामने रखे हैं, जैसे कि तुम्हारी चार्जशीट, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सबूत, गवाह, सिर्फ उन्हीं को मद्देनजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई इरादा नहीं है। यह कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है, और हमें यकीन है कि तुम पूरा सहयोग दोगे। मिस्टर कृष्णमूर्ति, आप
मिस्टर विशाल, कत्ल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और यह गुनाह हो जाने के बाद पछतावा होता है। मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ? मिस्टर कृष्णमूर्ति, एक गुनहगार को सजा सुनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? जाहिर है मुझे सुकून मिलता है कि मैंने कानून की हिफाजत की है और एक अपराधी को सजा सुनाकर एक नेक काम किया है। यू आर राइट मिस्टर कृष्णमूर्ति, एक काम करने के बाद सुकून मिलता है, पछतावा नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर विशाल अग्निहोत्री को अपने बातचीत करने के ढंग पर कंट्रोल होना चाहिए। सच्चाई के एक लफ्ज से तिल मिला उठे। अभी तो मैंने अध्याय शुरू ही नहीं किया। आज यहाँ कानून का हर आदमी सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जुबान पर इन लफ्जों को लिए घूम रहा है। अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपराधी नहीं जुड़ता। इंसाफ के लिए मैं आतंक के रास्ते पे ना चलता। लोग मुझे खूनी ना कहते, कई खूनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठा हूँ। खूनी बनने के संस्कार मुझे घर से नहीं मिले। मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना उनका पेशा था। अपनी तकलीफों को भूलकर दूसरों के लिए जिया करते थे वो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये अर्जियां उन्होंने अपने लिए नहीं लिखी। लोगों की तकलीफों को लेकर सरकारी दफ्तरों में भटकते रहते थे वो। कभी किसी की जमीन के लिए, तो कभी किसी की बेटी की दहेज के लिए, तो कभी किसी गरीब की जिंदगी के इलाज के लिए। पढ़िए आप लोग, पढ़िए, पढ़िए। तो ये हुर हुर मत किया करो, दाना डालने वाले पर कोई गुर्राता है क्या? अरे हाँ हाँ, जानता हूँ कि तुम लोग नाराज हो, सोमवार को नहीं आया था पिछले हफ्ते। अरे आराम से, कबूतर उड़ रहे हैं, देख नहीं रहा? मास्टर जी अपना सब काम बराबर टाइम पे, आप ही आधा घंटा लेट हुए। लेकिन गोविंद आ आ। अरे मास्टर जी अपनी इस पलटन का डाइनिंग हॉल कहीं और लेकर जाओ, इन कबूतरों के चक्कर में रहे तो हमारा दो यही बजने वाला है। 1 बजे डॉक्टर चुगानी के पास चोपड़ा साहब का कुत्ता लेकर जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और फिर अपनी दवा दारू का इंतजाम। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो? हाँ। अरे नहीं मास्टर जी, ये तो रात का उतारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रात की चढ़ी उतारने के लिए सुबह चढ़ाते हो और सुबह की उतरी शाम को चढ़ाते हो। अगर चढ़ाकर ही रखना चाहते हो तो उतारते क्यों हो गोविंद? अरे मास्टर जी, अरे सबसे पहले सुबह सुबह तू ही मिलता है गोविंद, तू तो होश में मिला कर। चोगले के घर जाना था, पता नहीं उसकी अर्जी लाया हूँ कि नहीं। पकड़िए, बांट दे कबूतरों में, देखता हूँ इस बैग में हो शायद। अरे कबूतरों ने बहुत खा लिया, शाम की दारू का इंतजाम हो गया। ये लो, ये मेयर साहब का लेटर है, अब ये टाटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा बिना किसी खर्चे के। मास्टर जी आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया। अरे क्या किया है मैंने? 2-4 दिन भाग दौड़ की ना, कौन सा आसमान उठा लिया है मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, जाके चाय लिया मेरे लिए अच्छी सी। पुलिस ने मूर्ति चोरों को पकड़ा, मूर्ति बरामद की, मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया। विशाल माँ आपने पढ़ाई दी मुझे अखबार, ला मेरे पास दे, वरना सुबह सुबह इनके हाथ लग गई ना तो सारा दिन इसी अखबार की खबरें चलेंगी। सुबह 6 बजे के निकले हुए, अभी तक घर नहीं आए। इसे कहाँ छुपाऊं मैं? यहाँ नहीं नहीं, यहाँ तो ढूंढ लेंगे। ये जगह ठीक है। गायत्री कहाँ रह जाते हैं आप, कहाँ रह गए थे? ये फूल मंदिर में चढ़ा देना। विशाल गया? नहीं बाहर बैठा है, चाय पी रहा है। मिल गया। निकल रहे हो भाई? हाँ बाबू जी। नाश्ता किया? हाँ कर लिया। हाँ जरा जाते जाते बैंक से होते जाना, मेरी पासबुक कलेक्ट कर लेना। जी। अगली बार अपनी माँ से कहना अखबार किसी अच्छी जगह छुपाया करे। ए? मूर्ति चोरी? तुमने दी क्या? नहीं मैंने ढूंढ लिया। हाँ लो बेटा घड़ी। अरे मंदिर में एक मूर्ति की चोरी। अच्छा मामा चलता हूँ। पुजारी गिरफ्तार। ये रही आपकी चाय। आ गया।
अरे गायत्री, तुम भी अपनी चाय लेकर यहाँ आ जाओ ना। आओ यहाँ बैठो थोड़ी देर। अब मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी दुनियादारी सुनूंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? वैसे भी आज सारा दिन इसी में जाएगा, मंदिर, पुजारी, मूर्ति, है ना? इतने सारे काम पड़े हैं, मुझसे आजकल वैसे भी दौड़ धूप नहीं होती। अपना बच्चा कामकाज से लग गया है, कमाने लग गया है, अब लोगों से जरा मिलो जुलो, उसकी ब्याह की बात तो निकालो। अरे हो जाएगा ब्याह, ब्याह भी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने बेटे के लिए? कांता, मेरा नाश्ता लगाया? ओ मैम साहब, वेरी गुड। ये क्या है? तुम्हारी शादी के लिए मैम साहब। मैंने कहा ना मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी। अरे अरे कांता भाई, मंगल है तेरा भाई, सवेरे सवेरे ही बॉम्ब फोड़ दिया, इतने बड़े बड़े आदमियों की तस्वीरें मेरे कदमों में डाल दी। अरे अरे है, ये तो धोती में ही घुस गया। अरे बेटी, ये तो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है। अरे यही तो आपका पुराना स्टाइल है डैडी, पहले आप मुझे फोटोज दिखाएंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे इनमें से कोई पसंद करो, और फिर आप हम दोनों की कुंडलियां मिलाएंगे, और फिर आप ही कहेंगे कि इसका राहु खराब है, इसका केतु खराब है, इसका शनि खराब है। अरे ये सब पुराना स्टाइल है डैडी, इस प्रोसेस में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, मैं नए स्टाइल की शादी करूंगी। अरे डैडी मजा तो जब आए कि कोई मुझसे टकराए, मैं गिरूं, वो मुझे संभाले और मैं उसकी आंखों में देख के कहूं यही तो है वो। तू मुझे डुबाएगी। अरे कहीं तू ऐसे आलतू फालतू लड़के से मत टकराना जो मुझे करोड़पति से लोड़पति बना दे। अरे प्यार तो प्यार होता है डैडी, कोई दिल को जच्चा है ना तो फिर दौलत क्या, दुनिया क्या। बाय डैडी। अरे पर तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप खामोखा छोटी बात को इतनी लंबी करके परेशान हो रहे हैं। मैं नेहा बिटिया को थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो सही वक्त पर सही जगह सही लड़के से टकराएगी। आप लोग प्लांस की बिल्कुल केयर नहीं करते। अगर इस बार प्लांस को कुछ हो गया ना, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। यही तो सोचा था मैंने, टकराना, गिरना, फिर संभलना, फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, यही तो है वो। आई लव यू यार, आई लव यू। ये क्या हो रहा है? आउच! हो गया, कुछ हो गया, हो गया। क्या हो गया? बोलो। डैड, मैं अचानक मुड़ी, मैं इनसे टकराई, मैं गिरने लगी थी कि इन्होंने मुझे, इन्होंने तुझे क्या? संभाल लिया। संभाल लिया ना? हो गया ना संभालना? चलो छोड़ो 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 छोड़ो, हाथ छोड़ो छोड़ो। और नहीं है साहब, जब ये गिर रही थी तो आप नहीं संभाल सकते थे? 17 साल से तो आप मेरा हर काम संभालते हैं, आज क्या हो गया आपको? देखिए स्टाफ भी हंस रहे हो आप खड़ा खड़ा। ये क्या हो रहा है? चल चल चल, तू मेरे साथ चल। अरे तू नहीं, तू चल। सबसे पहले तेरी आंखें टेस्ट करवाता हूँ, कम से कम तू सही जगह पे तो टकराए। चल चल जल्दी। चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी कोई होए, दो दिल जब प्यार करें तो रोक सके न कोई। तेरा हाथ है।
कसूर है। दुनिया तेरे पैरों की धूल है, मेरी जुड़ी में तेरा फूल है। तेरे लिए जो मुझको मिला वो हर दर्द मुझको कबूल है। महबूबा जानम दिल जाना, किस नाम से तुझको पुकारूं मैं। पलकों के साए में रखूं या दिल माफी मांग रहा है, छोड़ दे इसे। नहीं साहब, मुझे इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं आपके पास बताता हूं। छोड़ दिया तो दूसरा की जेब में हाथ डालेगा ये। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हो गया हो गया, ठीक है, ले चलते हैं इसे पुलिस स्टेशन। तू ऐसा कर, तू जाकर स्कूटर लेकर, रिक्शा लेकर, मैं इसे रोक कर रखता हूं। अरे जाना, मैंने रोका इसे, देख मैंने रोका इसे। अरे जाना, मैंने रोका इसे। क्या करते हो तुम भाई? बहुत भारी हाथ है मेरे बेटे का। हां साहब, बहुत भारी हाथ है। शुरुआत मुझसे की थी या किसी और की भी जेब मारी थी पहले? आप ही से शुरुआत की थी साहब। मतलब बोनी खराब हो गई? अरे तो काम किया करना, मजदूरी कर, बर्तन मांज, ये क्या चोरी करता है? हाँ साहब, कुछ भी काम करूंगा, कुछ भी काम करूंगा साहब, कुछ भी काम करूंगा। ये ले, जाके डॉक्टर को दिखा देना। हाँ साहब। और सुन, हाँ साहब, रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लेना, ठीक हो जाएगा। अब जाना, भाग यहां से। आ जा, ठीक है, ठीक है सब। बाबूजी कहां गया? वो भाग गया। भाग गया? अरे मैंने कोशिश की थी पकड़ने की, मगर मुझसे ज्यादा ताकतवर था तो मैं क्या करता। देखो भाई, अब शक का तो कोई इलाज है नहीं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि मैंने उस चक्के को भगा दिया, उसे छोड़ दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि अब इस किस्से को खत्म करो और चाय पी लो, ठंडी हो रही है। किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। मैं तो ऐसी बात को जरा लंबा खींच रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। क्यों विशाल, देखो गायत्री अब भी कैसे घूर रहा है। गायत्री, इसने उसका मुंह तोड़ दिया था। हाँ तो फिर दवा इलाज के लिए आपने उसे कुछ दिया कि नहीं? 50 रुपए। चाय ठंडी हो गई। क्यों रे, आज तू मंदिर आने के लिए आनाकानी क्यों कर रहा था? माँ वो क्या है कि मैं जान। चुप कर, ऐसे कामों के लिए भी बहाने हैं तेरे पास। तुझे पता है एकादशी के दिन मैं ये पूजा अर्चना कभी नहीं छोड़ती, और वैसे भी ये पूजा व्रत उपवास मैं किसके लिए रखती हूँ? तेरे ही लिए ना। मेरे लिए? हाँ, मैं तेरे लिए दुल्हन मांगने आती हूँ यहाँ पर। अरे माँ, मैं यहाँ कौन सा अपने लिए कुछ मांगने आता हूँ, मैं भी तो तेरे लिए आता हूँ। अच्छा, तू मेरे लिए क्या मांगने आता है? माँ मैं भी तेरे लिए बहू मांगने आता हूँ। बदमाश, वैसे हम दोनों की मनोकामना पूरी कैसे होगी? तू तो कोई चक्कर वक्कर चलाता ही नहीं। माँ वैसे मैंने चक्कर वक्कर चलाया एक लड़की से। सच? बात भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। मगर वो है कौन? बहुत जल्द मिलाऊंगा माँ, बस टाइम आते ही। टाइम? टाइम? माँ मैंने फोन करना था, टाइम हो गया, अब मैं क्या करूँ?
मुझे 10 बजे फोन करने वाले थे ना। ओके बाबा सॉरी। फ्रॉड। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक 1 बजे मैं तुम्हारा नेशनल रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी, लंच साथ करेंगे। नेहा अकाउंट्स का काफी काम बाकी है और फिर कुछ मीटिंग्स भी हैं, और फिर आजकल तुम्हारे डैडी मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रखते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें वहाँ 1 बजे पहुँचना है बस। अच्छा बाबा तुम मुझे ऑफिस में फोन करना, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। अरे वाह, और अगर डैड ने हम दोनों को फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया तो? तुमने तो मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा है। डफर, तू फोन करेगी नेहा के नाम से नहीं, सीमा के नाम से, और फिर सीमा की कोई प्रॉब्लम होगी जो सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए होगी, समझी? यस सर मिस्टर अग्निहोत्री। मैं आजकल देख रहा हूँ कि नेहा जो है वो बहुत ही खुश नजर आ रही है, उसकी चाल ढाल बैठना उठना सब बदल गई है एकदम से, हमेशा गाने गुनगुनाती रहती है, वो भी रोमांटिक गाने। मैं उसका खिला हुआ चेहरा देखता हूँ, फिर अपनी कुंडली देखता हूँ, शनि की महादशा जो बाकी है ये सब उसी का प्रताप है। मुझे तो लगता है कि उसका और विशाल का चक्कर बहुत ही आगे बढ़ गया है। अरे आजकल के लड़के लड़कियों की बात ही छोड़िए, और एक हमारा जमाना था कि शादी के बाद अपनी ही बीवी का हाथ पकड़ने में महीनों लग गए, और आज का प्यार पकड़ धकड़ से तो शुरू होता है। अरे अरे हा? वो आ रहा है, वो आ रहा है। क्या क्या? बहुत खुश नजर आ रहा है वो विशाल, सीटी बजाता हुआ आ रहा है। क्या कहा आपने? अरे तू तेरे कान कुरेदना बंद कर, नहीं तो बहरा हो जाएगा। कुछ कहा? आप लोग परेशान लग रहे हैं, कोई सीरियस मैटर है? नहीं नहीं। चलो मैं आप लोगों को खुश कर देता हूँ, पटेल इंसान से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब हमारे पास गुजरात में 4 और डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ गए हैं, ये रहे उनके कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था ना कि ये काम मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, मैं चाहता हूँ हर काम यू हो यू। रफ्तार पकड़ी हुई है मैंने, रफ्तार। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है अब तुम जा सकते हो। हाँ हाँ जा सकते हो। अच्छा हेलो सिटी बैंक। हाँ सिटी बैंक। रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। अब तुम जाओ अपने कैबिन में जाओ। हेलो हेलो। हाँ बोल नेहा। नहीं जी मैं सीमा बोल रही हूँ। किसकी माँ? सीमा सीमा बोल रही हूँ। सीमा जी हाँ, जरा विशाल को बुला देंगे, बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा वो नेहा रही है, कह रही है मैं सीमा बोल रही हूँ। विशाल तुम्हारा फोन। मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा फोन मेरा? लो। हेलो विशाल। हाँ मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ बोल सीमा। माँ आ रही है बनारस एक्सप्रेस से, स्टेशन पहुँच जाना लेने, प्लीज आ जाना। हाँ 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 जरूर जरूर, बनारस एक्सप्रेस ना। हाँ मैं पहुँच जाऊँगा मैं। ओके बाय। सर दोस्त की माँ आ रही है, बनारस एक्सप्रेस से जाना है। हाँ जाओ जाओ जाओ। आप महान है। थैंक यू। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। थैंक यू। देखा टोपी पहना के चला गया। बनारस एक्सप्रेस सवेरे 5 बजे आती है, शाम को 5 बजे नहीं। पे जो नहीं आए जो आंखों से कही जाए, अहं 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 अहं। सुबह पे जो नहीं आए जो आंखों से कही जाए, वही बात मेरे दिल में छुपी है।
तो हंसी शाम है, मेरे भी लबों पे तेरा नाम है। यहाँ है वहाँ है न जाने कहाँ है नया दर्द चाहत का यारा। ये क्या हो गया मैं कहाँ खो गया मैं, मुझे इन अदाओं ने मारा। कहानी है क्या सुनो जी कहो जी बताया जो मुझको किसी और को ना बताना। लिखा है पढ़ा है दीवानों ने मिलके जवा धड़कनों का फसाना। बाबूजी क्या हुआ हा? क्या हुआ बाबूजी? गाय कट गई। जिस ट्रेन से मैं आ रहा था उसके नीचे आकर गाय कट गए। बाबूजी अभी बस इतनी सी बात के लिए आपने घर को सर पे उठा लिया। गाय कट गई तो क्या हुआ? शहर में इस तरह के सैकड़ों हादसे रोज होते हैं। बाबूजी लो ये खा लो बाद में। कटी हुई देखी थी क्या? हाँ? नहीं लोग बात कर रहे थे, ट्रेन भी रुक गई थी। एक तो था भी वहां अंधा गुप, अंधेरे में जानवर तो क्या इंसान को भी कहां कुछ सूझता है। बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो। गायत्री मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम लोगों को काफी परेशानी होती है, अगर मैं क्या करूं? मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता? ट्रेन में और भी लोग थे, कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा, कहीं किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। उस वक्त उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा शरीर को टुकड़ों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीजता। इतना निर्दयी हो गया है इंसान। नमस्ते राणा साहब। कहिए राणा साहब, ये लोग
मलाड ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री दहनु करवाड़ी कांदीवली। मास्टर जी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है आप ही की बस्ती में एक जलसे में। कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राणा साहब इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के पास ही एक शराब खाना है। बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में दो तीन की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। मेरा बेटा आ रहा है। हाय डैड, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? 25 लाख रुपए जमा करा के आया हूँ, जाते हुए डिलीवरी ले लेना। थैंक्स डैड। हाँ तो मास्टर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटियां इनकी बेइज्जत हो रही हैं और वकालत आप इनकी कर रहे हैं, इन्हें क्या सामसूंग गया है? राणा साहब, ये लोग चाहते हैं कि वो शराब खाना वहां से हटवा दीजिए। उस नाके पर इन लोगों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आप बंद करवाइए बस। मास्टर जी, ऐसे मामलों से निपटना शहर की पुलिस का काम है। आप अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी। एक रिपोर्ट मैं खुद दर्ज करा चुका हूँ करीब 2 महीने पहले, अब तक वो रिपोर्ट किन्हीं फाइलों में गुम हो गई होगी। तब तो आपको ये शिकायत पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये शराब खाना गोपाल अन्ना का है और गोपाल अन्ना के सर पर आपका हाथ है। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कने कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। रहते आप गांधीवली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए हैं, नेता है क्या आप इनके? आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्योढ़ी पर खड़े कर दिए। राणा साहब, आज 12 खड़े हैं, कल 200 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे। अब ज्यादतियों के शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाने का हौसला जाग गया उनमें? अब हौसला जाग गया है या खत्म हो गया है, जरा मुड़ कर देखिए। आपके सिपाहियों ने तो मैदान छोड़ दिया। इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी। शहर के लोगों की मुश्किलें तकिए के नीचे रखकर सो गए तो नींद नहीं आएगी। बुढ़ापे में भरपूर नींद सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। देशवर जी, ये मास्टर के साथ जो लोग आए थे इनके नाम पता करो जी। और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुलटा लिखा जा रहा है, इन अखबारों से जुड़े पत्रकारों को मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जी। और ये सूरत क्या लटकाए हुए हो तुम, क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी परेशानी ये चिट्ठी है जी, धौलपुर से आई है जी, बड़े भैया की है जी। क्या है राणा साहब, कभी कभी छोटा होना भी कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा हो। अब देखिए जी, बड़े भैया ने तो चिट्ठी में लिख दिया जी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है जी। अरे पर लिखा क्या है इसमें? राणा साहब, बंटवारे के समय 2.5 बीघा जमीन हम दोनों ही भाइयों के हाथ में आई थी जी, लेकिन अब बड़े भैया चाहते हैं कि उसे बेच दिया जाए जी। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है जी कि मैं इस चिट्ठी का क्या जवाब लिखूं। ये क्या जी जी लगा रखी है तुमने जी, इस चिट्ठी को फिलहाल अपनी जेब में रखो जी। राणा साहब, घुटनों में मत गिरा करो मेरे, अपना काम ठीक से किया करो। कितने इसमें? जी 5 लाख। बस मंगल, मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक 50 लाख रुपए की वसूली चाहिए। इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने, इसके लिए अगर एक दो को निपटाना भी पड़े तो चूकना मत। जी। जाकिर और शंकर की कल रिहाई है, उन्हें भी अपने साथ लगा लो। जी राणा साहब, फोन है जी। नमस्ते राणा साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ राणा साहब। क्या उस चुगानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगें जसपाल राणा की बन रही हैं? उस साले चुगानी को उठाकर आज रात को मेरे फार्म हाउस पे ले गए आओ। जी राणा साहब। तुम्हारी वकील से बात नहीं हुई क्या जी? ये कोर्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? कालीना चौक की यह जमीन हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर जी। पूरे 20 करोड़ रुपए का खेल है ये। 7 तारीख को कोर्ट का फैसला हो जाएगा जी, वो जमीन आप ही की है जी। लेकिन राणा साहब,
मेरी ये जो 2.5 बीघे जमीन की बात है उसका मैं क्या जवाब दूं जी? अंडेश्वर, मुझे राणा साहब से मिलना है, मुझे राणा साहब से मिलने दो, मैं राणा साहब से मिलकर ही जाऊंगा। तू चल, मुझे राणा साहब से मिलना है, मुझे राणा साहब से मिलो। सावन, आने दो इसे। नमस्ते राणा साहब। हाँ, क्या बात है भाई? राणा साहब, मेरे पिताजी 3 दिन से गायब है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई मगर कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी जगदीश रस्तोगी, कालबदे में हमारी दागिने की दुकान है। बुधवार की रात को मेरे पिताजी दुकान बंद करके घर के लिए निकले मगर घर नहीं पहुंचे, और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता। अगर आप कमिश्नर साहब से बात करके। क्यों वे कामले साहब, ये क्या हो रहा है इस शहर में? जगदीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राणा साहब, मेरे ख्याल से ये केस Zone 3 के किसी ऑफिसर के पास होगा। मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ। आपके फाइल देखने से इनकी तसल्ली नहीं होगी, आदमी को तलाशिए। जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक 3 दिन से घर नहीं पहुंचा। मैं अभी देखता हूँ। ओके, तुम घर जाओ, अब ACP साहब खुद इस केस को देखेंगे। तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे पुलिस उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी। जी शुक्रिया। राणा साहब, प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है, आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा। अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उछालना शुरू कर दिया है, कल आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है राणा साहब। रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा, मौत के बाद उसकी खुली आंखें देखकर शहर के लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नहीं राणा साहब, मेरे ख्याल से इस वक्त रस्तोगी को मारना आपके लिए। रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही, पैसे की बहुत गर्मी हो गई है उसमें, वो अपनी जात वालों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था। अंडेश्वर। हाँ जी। नागेश को फोन लगाओ। जी। रस्तोगी, मेरा डैड नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। कहाँ जा रही हो बेटी? कॉलेज डैड। कॉलेज? मैं देख रहा हूँ कि आजकल पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। लेकिन बेटी आज संडे है, संडे। डैड आज स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास? और इस स्पेशल क्लास के स्पेशल टीचर है विशाल अग्निहोत्री, और सब्जेक्ट्स हैं प्यार, रोमांस, मौज मस्ती, है ना? डैड आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम्हारी और विशाल की प्रेम कहानी जिस रफ्तार से बढ़ रही है सब जानता हूँ मैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं मेरी कंपनी के मुलाजिम को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। तू कुछ जानती है? तू कुछ नहीं जानती। आ, आ मेरे साथ। डैडी। आ, देख, देख, कौन है ये? ये है तेरे परदादा हुकम चंद, राजा भीमराव के इकलौते वंशज। बहुत बड़ी रियासत थी इनकी, 50 गांव की पट्टेदारी थी, 2 हाथी और 500 घोड़े हमेशा साथ में चला करते। और ये देख, ये देख, ये है तेरे दादा रघुपति राव। पट्टेदारी और रियासत छीन जाने के बाद इनके पास क्या बचा? 2 हाथी और कुछ घोड़े। उन्हें सर्कस वालों को बेचकर दिन रात की रोटी पानी का इंतजाम करना। और ये देख, ये तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने। कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया, बड़ी मेहनत की, कुलीगिरी की, दिन रात कुलीगिरी की, तब मैं कुली से सेठ बन पाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई चुच्चा सा लड़का तुझे प्यार के चक्कर में फंसा कर मेरी इस जायदाद का मालिक बन बैठे। मैंने इस जायदाद को अपनी मेहनत मजदूरी से खड़ा किया है। बहुत हो गया, चल चल मेरे साथ, बहुत हो गया। जब से तेरी माँ का साया तेरे सर से हट गया, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरी हर जिद के सामने घुटने टेके, और बदले में मुझे क्या मिला है? बोल क्या मिला? जा जा अपने कमरे में, जा अंदर, जा अंदर जा, और कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, और विशाल उसका तो मैं सर काट दूंगा, उसके तोड़ दूंगा हाथ। बद्रीनाथ, ये क्या हो रहा है? एक मासूम अबला के साथ इतनी शक्ति क्यों दिखा रहे हो? ठीक कर रहा हूँ मैं,
ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। अरे आपके लाड प्यार ने जिसे बिगाड़ा है वो तो गाड़ी लेकर फुर्र हो गई है। आपने नेहा बेटिया की जगह कांताबाई को कमरे में बंद कर दिया है। क्या कह रहे हो तुम? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद ही खोल कर देख लीजिए ना। ए भारा भारा भारा, ये क्या नौटंकी करी है मेरे साथ? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीट के ऊपर ला रहा हूँ, तुम बोल नहीं सकती। अगो माया, मैं कैसे बोलती? 3 साल में पहली बार मेरा हाथ पकड़ा तुम। 3 साल में पहली बार? अरे गिरी बाबू, ये तुमको क्या हो रहा है? अरे गिरी बाबू, नेहा की शादी के साथ साथ आपकी शादी का भी मुहूर्त निकलवा दूं? बजरी, याद रख मैं नेहा को छोड़ूंगा नहीं। अरे आप कुछ नहीं हो सकता है, वो दोनों तो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, थिरक रहे होंगे। जाते हो, फिक्र हो जाती है मुझे, कितना वक्त हो गया है, खाना कब से लगाकर बैठी हूँ। चलो चलो बैठो, पहले खाना खा लो।
अरे क्या हुआ, हुआ क्या, आप कुछ बोलिए ना। आज एक बहुत बड़ा अनर्थ मैंने अपनी आंखों से देखा है गायत्री। हैवानियत का नंगा नाच मेरी आंखों के सामने चल रहा था और मैं फटी हुई आंखों से वो सब देख रहा था। एक तमाशा, होंठ भीचे हुए थे मेरे, गिग्गी बन गई थी मेरी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने? बीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलिस जीप में ले जा रहे थे और मैंने देखा उन गुंडों में जसपाल राणा का लड़का नागेश भी था। एक नेता और समाज सेवक का ढिंडोरा पीटने वाला जसपाल राणा आज इतनी बड़ी पावर बन बैठा है कि उसका बेटा सारे आम सड़क पर इतना घिनौना अपराध करता है और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। 60 साल का ये बूढ़ा जिसने अपनी आंखों के सामने गुलामी की काली स्याही को मिटते हुए देखा है, इस हादसे को बेबस और लाचार की तरह देख रहा था। मेरे जी में आया कि मैं पुलिस को जाकर रिपोर्ट करूं, लेकिन बाद में ख्याल आया कि पुलिस भी तो इस घिनौने अपराध में उनके साथ मिली हुई है। नहीं नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है और आपने कुछ नहीं देखा। गायत्री आप आज मेरी बात मान लीजिए, मैंने आज तक आपको किसी बात के लिए नहीं रोका, लेकिन इस बात को आपको दबाना ही है, हमें नहीं उलझना ऐसे लोगों के साथ। आपको मेरी सौगंध, आपने कुछ नहीं देखा बस। चलो बड़ी उठाओ, ये देखो सालुके की लड़की की खबर अखबार में छपी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अरे क्या कर सकती है पुलिस, जिन गुंडों के इतने बड़े हौसले कि एक लड़की को उठाकर उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर गाड़ी के नीचे डाल दें, ये काम कोई छोटे मोटे गुंडों का नहीं है। ऐसे गुंडों पर तो पुलिस भी हाथ नहीं डालती। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे। बाबू जी क्या बात है, आज सुबह आप जल्दी घर से निकला है, पूजा तक नहीं की? पूजा नहीं की? हाँ वो भूल गया। अच्छा अभी तो आप घर जाइए, माँ ने बुलाया आपको। मास्टर जी चल बेटा जल्दी से पैर छू मास्टर जी के, आशीर्वाद लेन का। खुश रहो, आज से इसका इम्तिहान है। आशीर्वाद तो माँ बाप का ही सब कुछ होता है, जीते रहो। आपकी ही कृपा से इसकी पढ़ाई चल रही मास्टर जी, आप कोशिश ना करते तो मुझे नौकरी भी ना मिलती। अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, अब ये जरूर पास हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ। आप सब जानते हैं कि श्री राणा जन कल्याण के लिए कई बड़े काम कर चुके हैं, आज भी समाज और देश के हित में इनके प्रयास जारी हैं। अब मैं श्री राणा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विचार इनके सामने रखकर मीटिंग की शुरुआत करें। बिगड़ते हुए हालात, गुंडों का आतंक, दहशत और डर में जीने वाला एक आम आदमी, ऐसी ही कुछ तस्वीर है इस शहर की। यहां पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस शहर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इस शहर में हर इंसान अपने घर, रोजी रोटी की जगह, सड़क, कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। गुंडागर्दी का तो यह आलम है कि वो कहीं भी किसी भी जगह खुलेआम अपना खेल खेल रहे हैं। अब गुंडे किसी को धमकाकर रकम वसूल नहीं करते, मारकर उनसे छीन लेते हैं। शहर से गुंडा ताकतों को मिटाने के लिए पुलिस के हर नौजवान को आज कमर कसनी होगी। तालियां मत बजाइए, मत बजाइए तालियां, मत बजाइए ऐसे लोगों की बातें सुनकर तालियां मत बजाइए। आंखें खोलिए और समझिए। छोड़ो मुझे, पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक मीटिंग है ना ये, छोड़ो। अरे सुनो, छोड़ दो ये नहीं। आइए मास्टर जी आइए, आप इधर आकर बोलिए, आपको कुछ कहना है ना, स्टेज पर आकर बोलिए। हाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन पुतलों की भीड़ से अलग हूँ, ये जो रखे हुए हैं आपने यहाँ पर। राणा साहब शहर के बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जता रहे हैं। मास्टर जी माइक पर बात कीजिए। राणा साहब यहाँ मंच पर खड़े होकर शहर के बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जता रहे हैं, पुलिस को मशवरा दे रहे हैं कि गुंडा ताकतों को काबू में कैसे रखा जा सके। यहाँ ऊंचाई पर खड़े होकर एक समाज सेवी का मखोटा ओढ़कर वाहवाही लूट रहे हैं। अरे किन गुंडों को मिटाने की बात कर रहे हैं राणा साहब,
शहर के सबसे बड़े गुंडे तो आप, ये देखिए और बाकी के गुंडों को अपनी छत्र छाया में ले रखा है, और पुलिस ने भी उन गुंडों को और आपको खुली छूट दे रखी है। आपकी ताकत और आपकी पहुंच के आगे घुटने टेक दिए पुलिस ने। भाई, पुलिस की जुबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती है कि शहर का कोई आदमी किसी गुंडे के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करता, किसी कत्ल या लूटमार का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता। तो आज आप सबके सामने मैं मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री पुलिस को एक चश्मदीद गवाह दे रहा हूँ। कल रात माहिम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामद की। लड़की का नाम था भारती सालूके। उस लड़की को कुछ गुंडे वर्ली नाके से उठाकर लाए थे, और उन गुंडों में राणा साहब का बेटा नागेश भी था। मैंने खुद अपनी आंखों से नागेश को उस लड़की को उठाते देखा था, तो मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। अब बताइए, पुलिस बढ़ाएगी इस कार्रवाई को आगे? बोलिए कमिश्नर साहब, बोलिए, जवाब दीजिए। अरे आप क्या जवाब देंगे, आपकी पुलिस तो खुद उन गुंडों के साथ थी। अब इस गवाह को बैसाखी बनाकर दो चार कदम चल सकेगी आपकी पुलिस? बताइए, जवाब दीजिए। अरे बताइए, पब्लिक मीटिंग है, बताइए, जवाब दीजिए इन्हें। कुछ भी करने से पहले सोचते विचारते हो गए नहीं? एक झोपड़पट्टी की लड़की उठा ली, अरे कुछ तो स्टैंडर्ड की बात किया करो। ठीक है, तुम जैसे लड़कों से ये सब हो जाता है, ये भी ठीक है कि तुमने उसे मार डाला, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि उसकी लाश मिली रेल की पटरी पर डालने के बजाय उसे किसी गटर में नहीं फेंक सकते थे, इडियट। ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कामरे से बात कर ली है, वो सब कुछ संभाल लेगा। आइंदा के लिए जरा ख्याल रखा करो। कंटेश्वर जी, वो प्लॉट का काम ठीक से चल रहा है ना? कौन से प्लॉट का जी? अरे वही राणा कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। कल कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग के बाद मेरी कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं? कल सुबह 11 बजे आपको गांधी मेमोरियल स्कूल जाना है जी। वो स्वतंत्रता दिवस के जलसे में मिठाई खाने से जो बच्चे मर गए थे ना, उन्हें बधाई देनी है जी। और शाम को रॉयल क्लब के फंक्शन में डॉक्टर पटेल को उनकी मेडिकल सेवाओं के लिए श्रद्धांजलि देनी है जी। क्या उल्टा सुलटा पक रहे हो जी? जी माफ कीजिए राणा साहब, मैं उल्टा सीधा बोल गया। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ जी, अब आपसे क्या छुपाऊं। धौलपुर से बड़े भैया की फिर से चिट्ठी आई है जी, वो मेरी 2.5 बीघा जमीन के बारे में पूछा। इसे अपनी जेब में रखो। गायत्री, विशाल, देखो देखो, अरे घूर क्यों रहे हो? अब मैं 740 रुपए पेंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं हूँ, और भी कुछ हूँ। कौन कहता है कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग अब नहीं रहे? सच्चाई के साथ उठी हुई आवाज के मायने आज भी हैं। ये देखो देखो, ये आज के पेपर में सब कुछ लिखा है, मुख्य पृष्ठ पर मेरी तस्वीर छपी है, और साथ में अखबार वालों ने जसपाल राणा की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब उसके लिए अपने बेटे नागेश को बचाना इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, पर कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेते आप। अरे तुमसे बात क्या कर लेते तुम? कम से कम आपस में सलाह तो कर लेते। मशवरे से क्या होता, अखबारों में छपी ये सच्चाई लोगों के घरों में पहुंच गई। शहर में कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा अभी तक नहीं मरी। वो लोग नागेश की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़कों पर उतर आएंगे, और पुलिस को झक मारकर नागेश को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाबूजी, आप समझ नहीं रहे। मुझे क्या समझाओगे? तू इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा? तुम समझाओ इसे। विशाल, जो होना था वो तो हो गया, अब इसे संभालना कैसे है वो सोचो। कम से कम तुम दोनों आपस में। मेरी फिक्र छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं उन परेशानियों से खुद लड़ लूंगा। जिनकी शुरुआत मैंने की है उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है, बस मेरा। मुझे समझाने चले हैं, उस दिन देखना जब पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। हाँ, राणा साहब, आप जरा मेरी परेशानी तो समझिए। आज वो मास्टर अकेला नहीं है, उसके साथ 50,000 लोग और उतर आए हैं सड़कों पर। जुलूस निकल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम का जुलूस निकल रहा है। अब तो स्टूडेंट से भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कल उन लोगों ने पुलिस की भी कुछ गाड़ियां जला दी, पता है आपको? अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी तो नौकरी गई हाथ से। कामले साहब, आप उससे चाहते क्या है? देखिए राणा साहब, इस बात पर मैंने बहुत सोचा है।
अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा। इस सैलाब को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे नागेश को गिरफ्तार करना होगा। कामले! राणा साहब आप मेरी बात तो सुनिए, नागेश पुलिस की हिरासत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इत्मीनान रखिए। देखिए नागेश का केस तो प्रधान साहब ही लड़ेंगे ना, और कोर्ट में नागेश पर लगी चार्जशीट को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा मुझे। मैं खुद कोर्ट में नागेश के खिलाफ कोई भी सबूत या कोई भी गवाह खड़ा नहीं होने दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। लेकिन ये सब मैं तब कर पाऊंगा जब मैं कुर्सी पे रहूंगा राणा साहब। मतलब ये कि नागेश को पुलिस कुत्ते की तरह घसीटती हुई पुलिस स्टेशन ले जाएगी और कल की अखबारों में हेडलाइंस होंगी, समाज सेवी जसपाल राणा का बेटा बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार। ठीक है, मैं कोर्ट में पैरवी के लिए प्रधान को खड़ा भी कर दूंगा और नागेश छूट भी जाएगा, मगर इस पूरी महाभारत के बाद वो रामायण जो मैंने रची है उसका क्या होगा? 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा? एक रास्ता है कामले, रामखोर बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। क्या क्या कर रहे हो आप? देश का नाम पर संभव है तू? इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल जा यहाँ से। इतना बड़ा पाप तूने किया कैसे? तूने क्या समझा था कि तेरा पाप तुझे बचा लेगा? हमारे यहाँ औरत का दर्जा देवी के समान होता है, पूजा जाता है उसे, और तूने उसे बाजारू समझ लिया? उल्लू के बच्चे कपूत हम लगे लोगों के बीच मेरे लिए आजा कमले, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। मर गया तू, इतना नीच काम करके तूने अपने बाप के मुंह पर नारे खोली है। समाज देश मेरे लिए औलाद बनकर है, इसकी जान निकालते रहूंगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के रखूंगा, तेरे जैसे मुजरिम को तो कानून के हवाले मैं करूंगा। क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका अपराधी, बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म किया है इसने, इसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। भूल जाइए कि जसपाल राणा का बेटा है, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। राणा साहब, लोग तो अपनी पोजीशन के प्रभाव से अपने सगे संबंधियों की हिफाजत करते हैं, मगर आपने तो अपने बेटे को कानून के हवाले कर दिया। जरूरी था ऐसा करना। राणा साहब, आपने अपने सगे बेटे को सलाखों के पीछे खड़ा करके बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम मत कहिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो एक अच्छे नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। मेरे बेटे नागेश के ऊपर उंगली उठी कि वो गुनहगार है, तो मैंने उसे खुद ब खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पोजीशन की वजह से कोई भी गुनाह आसानी से कर बैठते हैं। और बड़ा काम मैंने नहीं, बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने, जिसने निडर होकर इस गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज, मेरी फोटो मत लीजिए। अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजिए और अपने अखबारों में छापिए। सच्चाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुंचनी चाहिए। राणा साहब, नागेश को पुलिस के हवाले करने के बाद आपके मन में कहीं? मैंने जो कुछ किया है अपनी ईमानदारी से किया है, और अब मैं चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। मास्टर जी घर पर हैं? आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हम उन्हें उठाने नहीं आए हैं, कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए। मैडम मास्टर जी को बुलाइए। मास्टर जी। क्या बात है भाई, आप लोग इतनी रात को इस तरह? रात को आकर आपको तकलीफ तो दी, पर क्या करें, ड्यूटी ऐसी है।
अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए 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 ना। मास्टर जी, उस लड़की के केस पे कानूनी कार्यवाही अब शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूं वो केस। आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के बिना पर पुलिस अब कोर्ट में केस फाइल करेगी। आपके सिग्नेचर की जरूरत है जी। बताइए कहां साइन करना है। एक बार फिर सोच लीजिए मास्टर जी, ये केस बलात्कार और हत्या का है। आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवाह के रूप में दर्ज हो जाना। हो सकता है अदालत की कार्रवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नागेश जसपाल राणा का बेटा है, जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है। और मास्टर जी, मैंने तो ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज पर आकर वो अपना हाथ वापस खींचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की। मैं तो सिर्फ अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। एक मिनट, आप अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अटल हूं। बताइए कहां साइन करना है, बताइए। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप साइन मत कीजिए। पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ए पाटिल, नीचे कर। यहाँ के एनकाउंटर के लिए आया क्या? गोली चल गई तो आदमी मर जाएगा। इडियट। माफ कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप साइन मत कीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गायत्री, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप प्लीज साइन मत कीजिए, विशाल भी घर पर नहीं है। विशाल क्या कर लेगा, मुझे साइन करने से रोक देगा क्या? फिर भी आप मेरी बात की बात मत करो गायत्री। मैंने कहा ना, फिजूल की बात मत करो गायत्री। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, ये लोग तेरे बाबूजी का बयान लेने आए हैं, तू इन्हें साइन मत करने दे, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। अरे ये क्या रोकेगा मुझे, मैं अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं। और तुम बजाय मुझे कुछ कहने के अपनी माँ को समझाओ। और तुम्हारी माँ के आंसुओं के अलावा और भी कुछ है कि नहीं सच्चिदानंद अग्निहोत्री की जिंदगी में? तुम लोगों के दिलों में इस नाम के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? मैंने जिंदगी में अपने सुख के लिए तुम लोगों को कभी चोट पहुंचाई है? परिस्थितियां कैसी भी रही हो, एक बाप और पति की पूरी जिम्मेदारियां तो निभाई है मैंने। और अब मेरी सोच, मेरे फैसले पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। जो सच्चाई और पुरुषार्थ मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, तुम दोनों चाहते हो कि मैं उसे कुछ कुछ ताकतवर गुंडों के घुटनों में बिछा दूं? माँ तू जल्दबाजी मत करना, अगर पसंद नहीं आई तो अगले सोमवार दूसरी। नहीं नहीं, यही तो है वो, ऐसे ही सोची थी मैंने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। जोर से बोल। नेहा। बिल्कुल सही है, जो एक बार देखे नेहारता ही रह जाए। अब ये कहेगा तभी तो पैर छुएगी क्या? जीती रहे जीती रहे। Bye.
पीछे उंगली दबा के दीवाना कर दे ये मुस्कुरा के विशाल तेरे बाबूजी को पुलिस ले गई। मैं सब जानता हूँ माँ। बेटे वो डेढ़ दिन से भूखे हैं। उन्होंने गवाही क्या दे दी? अपनी जान ही बस मुसीबत में डाल ली है। तू फिक्र मत कर माँ, मैं बाबूजी को अभी लेकर आता हूँ। अच्छा? जल्दी जा, जल्दी जा। मास्टर, अभी तो ये कोर्ट की पहली तारीख की तैयारी चल रही है। कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहाँ मेरी मौजूदगी चाहेगी मैं पहुँच जाऊंगा, तो फिर मेरी बात को घुमा फिरा कर क्यों लिखा जा रहा है इंस्पेक्टर? मास्टर, ये हमने सब तुम्हारे हक के लिए रखा है। हो सकता है किसी तारीख तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी सेहत अच्छी ना रहे, तो आप मुझसे हमदर्दी मत जताइए। अपनी कार्रवाई पर ध्यान दीजिए। इन पेपर्स को दोबारा तैयार करवाए तब मैं इन पर साइन करूंगा। अब जी आप ठीक है? ठीक हूँ बेटा। ये क्या तरीका आप लोगों का? ऐसे कैसे मेरे फादर को यहाँ ले आए? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं? एक गवाह के घर में पुलिस किसी भी वक्त घुस जाएगी, उसे उठाकर ले आएगी, और फिर ये पेपर के स्टेटमेंट, ये सिग्नेचर, कब बंद होगा ये नाटक? विशाल तुम अब ये कोर्ट के फैसले तक चलेगा और ये नाटक नहीं है, कानून का कामकाज है। इंस्पेक्टर चुप कर। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी बात को। अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना। अरे ये तो बुढ़ा है, इसका दिमाग बराबर नहीं है। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज से बात नहीं करने का इधर। तमीज है तुझे बात करने की? क्या ये तरीका बुजुर्ग से बात करने का? क्या कर लेगा तू? अंदर कर देगा ना मुझे? विशाल बाबूजी ठहर जाइए, अब ये कार्रवाई मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत नशाल है तुझे इस वर्दी का। आपकी कोई गलती नहीं, दिमाग किसी का खराब हो गया। चल तू मेरे साथ, चल, मैं कहता हूँ चल। हाँ तो बस हो गया ना, तुमने भी तो अपना गुस्सा उतार लिया ना इस पर। तो क्या इसे थप्पड़ मारकर मुझे सुख मिला? इससे पूछो कि वहां पर ये नौबत आई क्यों कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। गायत्री वहाँ पुलिस वालों से हाथापाई पे उतर आया था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? वो लोग आपसे जबरदस्ती पेपर पे साइन करवा रहे थे, आप खाना खाने के लिए बैठे थे और वो आपको उठाकर ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारा वो तरीका क्या गलत था? मेरा तरीका वहाँ आपका अपमान हो रहा था जो मुझसे देखा नहीं गया। अगर आज तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता उसके बाद क्या होता?
एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का मतलब समझते हो? तुम कुछ करने से पहले आगे पीछे का सोचते हो कि नहीं? आप कितना सोचते हैं कुछ करने से पहले? विशाल चुप कर। हजारों लोगों के बीच उस गुंडे का नाम उछालने से पहले आपने कुछ सोचा था? वो वाक्य आपने अपनी आंखों से देखा है? उस बयान पे दस्तखत करने से पहले आपने कुछ सोचा था? आपने सोचा था कि किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है? सोचा था आपने? विशाल चुप कर और जाए यहाँ से। आज मैं जान गया, विशाल अब मेरे कंधों से ऊपर हो गया है। नागेश, नागेश बेटे। बेटा मत बोलिए मुझे, मर चुका है आपका बेटा। आपने अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए मार दिया है उसे। बकवास बंद कर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझे बचाने के लिए आज मेरी ये पोजीशन ही ना रहती। पोजीशन है तो सब कुछ है। अब मैं कोई भी गेम खेल सकता हूं। तू लॉकअप में बहुत दिन तक नहीं रहेगा। प्रधान को तो तू जानता ही है, वो कभी कोई केस नहीं हारा। आज वो अमेरिका से वापस आ रहा है। प्रधान साहब, इस केस को जरा आप अलग नजरिए से देखिए। 2-3 तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हक में हो जाना चाहिए। मेरा बेटा नागेश सलाखों के पीछे जितनी रातें रहेगा उतना ही भारी पड़ेगा सबको। तुम कौन सी अपील कब करते हो और किस तारीख को तुम्हारे हाथ क्या लगता है, ये सब हिसाब किताब तुम्हारा है। राणा साहब, नागेश के लिए मैं कम परेशान नहीं हूं, वो मेरे बेटे जैसा ही है। फिर ये केस तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। वैसे तो इस शहर में लोग देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। ये पहला प्राणी है जो देखता भी है और बोलता भी है। कामरे साहब, मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे आप करते जाइए। मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री सीधा है, सच्चा है, ईमानदार है, और खास बात यह है कि वो दिल से काम लेता है। और जो दिल से काम लेता है उसके दिमाग पर चोट करनी चाहिए। गोली क्यों चलाई? गोली मैंने नहीं चलाई। गोली नहीं चलाई तो कबूतर कैसे उड़े? मुझे क्या पता कैसे उड़े। देखिए अब आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो विशाल, तुम्हारी माँ की कंडीशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब इन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है, और बाकी डिटेल्स तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगी। ये दवाइयाँ इन्हें रेगुलर दीजिए। अच्छा चलता हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यात्री हरिदेवी नारायणी नमस्ते। मास्टर जी प्रसाद लीजिए। पंडित जी आपने मुझे प्रसाद की जगह बिच्छू क्यों दिया? आपने देखा पंडित जी ने मुझे प्रसाद की जगह बिच्छू दिया? क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, नीचे तो प्रसाद गिरा हुआ है। एक दवाई नहीं है, इनके 140 रुपए हुए। अरे क्या मास्टर, तुम समझता क्यों नहीं? कानून का काम तो कानूनी तरीके से ही होगा ना। मैं सब समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिस तरह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना वो। रिलैक्स मास्टर जी, रिलैक्स। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, फिर हम क्यों चाहेंगे आप परेशान हो? और आपने जो काम किया है उस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लिया था ना। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूं। इस तरह पीछे के दरवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जाया जा रहा है? आप धक्का मत दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। चल भाई गाड़ी चला, चल। आता हूं भैया। हां आराम से चल। अरे जल्दी स्टार्ट कर भाई। चलते हैं भाई, चलते हैं। चल शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहे हो? अरे कहां शराब पी रखी है मास्टर जी, मैं तो कभी शराब पीता ही नहीं। ये तुम गाड़ी उल्टी क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी तो सीधी चल रही है। देखो ये सब ठीक नहीं है, गाड़ी सीधी चलाओ।
तो मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं मास्टर जी, हमारी ड्यूटी लगी है आपको घर छोड़ने की। लीजिए मास्टर जी, आपका घर आ गया। आप खामखा चिंता कर रहे थे। आइए उतरिए, आपका घर आ गया। घर की परेशानी देखकर माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबूजी के बारे में सोचता हूँ, गलत तो वो भी नहीं है। अन्यथा पुलिस और कानून में ऐसे लोग हैं ही कहाँ जो सच का साथ दें। मगर बाबूजी का विश्वास। विशाल, अगर तुम बाबूजी को समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया, अब गुनहगार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तय करने के लिए बैठे हुए हैं लोग, ये उनका काम है। अगर हर आदमी अपना काम ठीक से करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। एक आदमी जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है वो खुद परेशानियों से जकड़ा हुआ है। बहुत सवाल उठते हैं, बहुत। एक तरफ माँ का परेशान चेहरा, पता नहीं आगे जाकर बाबूजी की लड़ाई क्या मोड़ लेगी। माय लॉर्ड, नागेश राणा पर लगी चार्जशीट पर अपनी दलील रखने से पहले मैं इस केस के बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूं। मैलॉर्ड, एक सामाजिक संस्था शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विषय पर चर्चा करने के लिए क्रॉस मैदान पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, समाज सेवी और काफी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद हैं। उसी मीटिंग में चीफ गेस्ट की हैसियत से जसपाल राणा भी वहां मौजूद हैं। उस मीटिंग के दौरान जसपाल राणा मंच पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, तभी वहां फिल्मी नायक की तरह एक आदमी आता है और जसपाल राणा पर उंगली उठाता है। शहर में बढ़ते हुए क्राइम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है, यहां तक कि मंच पर खड़े होकर जसपाल राणा के बेटे नागेश पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाता है। उसका कहना यह है कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते हुए देखा है। मंच पर यह जबरदस्त ड्रामा किया मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने। लेकिन सबसे पहले अदालत के लिए साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं। मिलॉर्ड, वर्ली नाके पे तीन बत्ती इलाके में रात को 11 बजे जहां सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, नाके के बाईं तरफ चित्रा सिनेमा का टैक्सी स्टैंड, दाईं तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकानें, ऐसे माहौल में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं। उस लड़की की चीख पुकार वहां मौजूद लोगों में से किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सिर्फ मास्टर जी ने यह नजारा बखूबी देखा। लेकिन अपने किसी नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। शायद उस वक्त इनकी परेशानी यह रही होगी कि इन्होंने पुलिस को नागेश की मदद करते हुए देखा है। मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशो आवास में पूरी समझ के साथ काम लिया। एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन अगले ही दिन क्रॉस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया। जो शख्स यह घटना देखने के बाद डर कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लेता है, वही शख्स हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर जसपाल राणा के हाथ से माइक छीन लेता है। माइक मैंने छीना नहीं था, खुद जसपाल राणा ने मुझे दिया था। और ये घटना तीन बत्ती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी। जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाईं तरफ वल्ली विलेज को जो सड़क जाती है उसके पास कुछ रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं बिल्डिंग से उस लड़की को बाहर लाया गया था। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ जज साहब। जिंदगी में हालात कुछ भी रहे हो, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मिलॉर्ड, मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है मास्टर जी। बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले? पूर्णिमा देवी विद्यालय में करीब 11 साल था। इससे पहले भी आप किस स्कूल में थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल में 4 साल। 4 साल क्यों? आपके इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक? ये मेरा जाती मामला है। मैंने कौन सी नौकरी कब और क्यों छोड़ी इससे अदालत को क्या लेना देना? आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, अदालत का काम अदालत पर छोड़िए।
यहाँ सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है, इस केस में एक समाज सेवक की शख्सियत और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बेहतर यही होगा कि आप पेश में आकर झलाने के जाए आप धैर्य के साथ मेरे सवालों का जवाब दें, और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का ताल्लुक इस केस के साथ है। अब बताइए, आपने सरकारी विद्यालय में सिर्फ 4 साल ही काम क्यों किया? क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था। वहां के अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था। स्कूल के बाहर दुकानें खोली थी उन्होंने और स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जाने लगा। थक कर मैंने रिजाइन कर दिया। आपने 11 साल की सर्विस के बाद पूर्णिमा देवी विद्यालय क्यों छोड़ा? वहां के प्रिंसिपल रंगनाथ राव से मेरी बिगड़ गई थी। मेरा अपना आत्मसम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं, आपको हटाया गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मास्टर जी, स्कूल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने काम में गैर जिम्मेदार और लापरवाह थे। मसलन, हिंदी के पीरियड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे। ऐसा एक ही बार हुआ था और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था। हमारे स्कूल के चपरासी के घर गया था मैं। उसे बहुत तेज बुखार था, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घर जाकर मैंने कुछ दवाइयां लेकर दी थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास छोड़कर सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुस गए और वहां के हेड मिस्टर चंद्रकांत कुलकर्णी से आपकी हाथापाई हुई, आपने उन्हें मारा। हाँ, ऐसा किया था मैंने, क्योंकि स्कूल मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट से जो रकम मिली थी उसमें 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ था और ये रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बंटी थी, और इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए कुलकर्णी का सबसे बड़ा हाथ था। जज साहब, जब मैंने उसे मारा तो उसे शराब पी रखी थी। स्कूल जैसी संस्था से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी स्कूल में शराब पी कर आता था तो क्या गलत किया था मैंने? क्या मैं भी दूसरे लोगों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखता रहता उसका? मिस्टर अग्निहोत्री, आप परेशान मत होइए। परेशान ही तो किया जा रहा है मुझे जज साहब। जो बातें मुझे परेशान करती है, जिन बातों को मैं दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूं, उन्हीं बातों को अदालत में, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे अदालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है। मुझे दिमागी तौर पर अपाहिज बनाने की कोशिश की जा रही है जज साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जज साहब। मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनात गार्ड मेरे पीछे खड़ा होकर ऊपर गोली चलाता है। पूछताछ के लिए मुझे पुलिस पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे घर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है। और तो और, मैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूं तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है मेरे साथ जज साहब, एक खेल खेला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बाबूजी, आप कहना क्या चाहते थे? आपकी कोई बात का मतलब ही नहीं बनता था। वो कोर्ट है बाबूजी, कोर्ट। मुंह से निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं। मजाक उड़वा लिया आपने अपना। मजाक मेरा नहीं, सच्चाई का हुआ था। मैंने जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, वो हुआ था मेरे साथ। क्या दिमाग फिर गया है? मैंने एक एक बात सही बोली थी। मेरे रिटायरमेंट का दिन, मेरे रिटायरमेंट की तारीख, मेरा पॉलिसी नंबर 78 में कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था वो 2 साल 3 महीने और 18 दिन चला था। 13 अप्रैल को उसका फैसला हुआ था मेरे हक में। जस्टिस बी के चौधरी उसका जज था। क्या दिमाग फिर गया मेरा? उस शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, दोपहर को 2:37 पर, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे भाई मेरे साले की शादी हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? जी जी हुई थी। और 10वीं क्लास में तू गणित में फेल हो गया था, कंपार्टमेंट में तुझे 11वीं क्लास में चढ़ाया गया था, याद है तुम्हें? याद है मुझे? सब याद है। सब पेपर रखता हूँ मैं अपने पास, ये देखो सब पेपर, ये देखो। शराब की बोतल। कोर्ट में कही हुई मेरी बातें बहकी हो सकती हैं। उम्र के बोझ में मैं अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा हूं, यह भी सच हो सकता है। लेकिन विशाल, यह तो नहीं हो सकता कि मैं शराब पीने लगा हूं। ये बोतल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परेशान करने के लिए। बस बाबूजी, अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। Thank you.
ठहरो, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे साथ है भाई। नहीं जा सकते। ए, ए। तुमको अंदर आने के लिए मना किया ना? एसीबी साहब, मैं आप बाबूजी, अब सब कुछ मेरे सामने होगा। मेरे बाबूजी से क्या पूछा जाता है, क्या लिखाया जाता है, सब कुछ। कल हम लोगों ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, कहाँ था तू कल? अरे क्या बताऊं यार, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर अलवानी को फोन किया, वो घर पे थे नहीं, फिर हॉस्पिटल में लेके गए उनको, आईसीयू में भर्ती किया। लेकिन तू बता, तू कहाँ था? मैं वो दीपावार में था यार, बड़ा मजा आया। अच्छा? तो खूब मजा किया होगा। सॉलिड यार। अच्छा इंस्पेक्टर, उस दिन कोर्ट के बाहर वो बैग तुम्ही ने दिया था ना? हाँ मैंने दिया था। तो फिर वो दारू की बॉटल भी तुम्ही ने डाली होगी? कहना क्या चाहता है तू? कि वो दारू की बॉटल उस बैग में तुमने डाली थी। विशाल, रुक जाओ, देखिए गिरी बाबू, विशाल का जल्दी छूटना मुश्किल है। केस काफी बिगड़ गया क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है। आप कोशिश तो कीजिए वकील साहब। कोशिश कर लेते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। जज साहब, मेरा नाम सचिदानंद अग्निहोत्री है, मेरा केस भी आप ही की कोर्ट में है। मैं पुलिस का गवाह हूँ, एक तरह से मैंने कानून की मदद की है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बेटे को झूठे खून के इल्जाम में लॉकअप में बंद करवा दिया है। आप उसकी जमानत करवा दीजिए, बाद में उसका भी केस कानूनी तरीके से चले, कोई बात नहीं। जज साहब, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, पुलिस की कार्रवाई में हमारा कोई दखल नहीं होता। आई एम सॉरी जज साहब, मेरी बात सुनिए। आपने इस तारीख में केस को कितना तोड़ा है ये मुझे मत बताइए। मेरे बेटे नागेश को लॉकअप के अंदर आज पूरे 13 दिन हो गए हैं। यहां मेरी आत्मा पर बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं ही उसे मार मार कर पुलिस स्टेशन तक ले गया था। यह सच्चिदानंद स्कूल मास्टर, 2000 रुपए माहवार की तनख्वाह वाला सरकारी गुलाम मुझ पर भारी पड़ रहा है, जसपाल राणा पर भारी पड़ रहा है, एक लड़की के अपहरण का चश्मदीद गवाह बन गया है, यह जानते हुए भी कि उस लड़की को मेरे बेटे ने उठाया था। मामूली सा मास्टर चश्मदीद गवाह, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा है, मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री। कामले साहब, नागेश को 2 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर निकाला और यह बात सिर्फ तुम्हारे खास लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्योरिटी हटा दो। अब ये नया क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। राणा साहब, अब तो ये केस आने वाली इसी तारीख में निपट जाएगा। देखकर बोलने की बीमारी है ना इस मास्टर को, अब मैं जो उसे दिखाऊंगा कोर्ट में बोलना बहुत भारी पड़ेगा उस मास्टर को।
माँ ये दूध पी लो, फिर दवाइयाँ भी तो लेनी है आपको। नहीं बेटे, और कितनी दवाइयाँ खिलाओगी मुझे, मैं इतनी बीमार थोड़ी हूँ। आज पूरे 5 दिन हो गए विशाल को देखे। क्या कहते हैं वकील साहब, कब तक छूटेगा वो? वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विशाल जल्द से जल्द छूट जाए। कल हमने कोर्ट में अपील भी कर दी है, बस वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। इतनी रात हो गई है, ये भी अभी तक घर नहीं लौटे। हाँ क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते रिया। नमस्ते बाबूजी। कैसी है बेटा? ठीक हूँ। क्या बात है, क्या फिर कुछ? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। और मैं तो इतनी रात तक कोई खास काम निपटा भी नहीं रहा था, यूं ही गार्डन में बैठा था, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला? तुम फिक्र मत करो गायत्री, अब इस अध्याय का समापन बस होने ही वाला है। कल कोर्ट की तारीख है ना, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी छूट जाएगा तो मैं जज साहब को मिला था उनके बंगले पर, बहुत नेक इंसान है। मेरे केस का फैसला तो आज की तारीख में हो जाएगा, उसके बाद मैं तेरी जमानत के लिए बहुत दौड़ भाग करूंगा। अब तो अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान भी हो गई है, तेरा केस मैं किसी अच्छे वकील को सौंपूंगा। बचपन में तू मेरी इस घड़ी के साथ खेला करता था, एक बार मैंने तेरे स्कूल बैग से भी बरामद की थी, याद है मैंने तेरे को एक चपत भी लगाई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए घड़ी बेजान सी हो गई है, इसकी सुइयों की रफ्तार से मैं तालमेल नहीं मिला पा रहा हूं, तो इसे तू रख ले, शायद तू इसकी रफ्तार पकड़ सके। जल्दी छूट जाएगा तू। मास्टर जी, आज कोर्ट की कार्यवाही के लिए मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और तैयार भी। आप कार्रवाई शुरू कीजिए। मिलॉर्ड, यह रही पैनल ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूंगा। मिलॉर्ड, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक गवाह को अदालत की कार्यवाही में जहनी तौर पर परेशान होना पड़ता है। कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो, इसलिए अदालत में कुछ मुद्दों को बार बार दोहराना पड़ता है, छेड़ना पड़ता है। आज गवाह के कटघरे में खड़े एक अध्यापक के चेहरे पर परेशानी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। माय लॉर्ड, मेरी जिंदगी में एक अध्यापक की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं बचपन में बहुत बड़ा शरारती था और एक अध्यापक ने मुझे सुधारा था। उसी अध्यापक से मेरे जीवन को एक सही दिशा मिली, इसलिए आज मैं हर अध्यापक की बड़ी इज्जत करता हूं। आज कानून का हिमायती होने के नाते मैं अदालत की मर्यादा को बचाने की कोशिश में लगा हूं। जहां एक तरफ इस बात की मुझे खुशी है, वहां दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि मेरी इस कोशिश में एक अध्यापक को परेशान होना पड़ रहा है।
हाँ तो मास्टर जी, 13 अक्टूबर की रात को आपने जो भी देखा मैं फिर एक बार अदालत के सामने रख रहा हूँ, आप ये बयान को दोहरा रहा हूँ। तो 13 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे आप वर्ली नाके के 3 बत्ती चौराहे से गुजर रहे थे, आपने एक लड़की की चीख सुनी, आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं, उन लोगों में से आप नागेश राणा को पहचानते हैं, आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं लेकिन आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़की की चीख आप तक पहुंच पाती और आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती? नहीं, इसकी भी एक वजह थी, आपने बताया था और बिल्कुल दुरुस्त था, आपको याद है? मैं बताता हूं। जहां यह घटना हुई वहां पास में एक रेलवे ट्रैक था जहां से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसकी वजह से आपकी आवाज दब गई। हाँ ऐसा ही है। हाँ तो ये आपने 3 बत्ती की बाईं तरफ से यानी के चित्रा सिनेमा के पीछे की रोड जो वर्ली नाके की तरफ जाती है वहां ये घटना देखी, मतलब आप वर्ली नाके से काफी दूर खड़े थे टैक्सी स्टैंड के दाईं तरफ, यानी कि आप जहां खड़े थे उसके पीछे उस चौक का मशहूर हनुमान मंदिर था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप हनुमान मंदिर के सामने खड़े थे ना? आप मंदिर के पास खड़े थे ना? नहीं, मैं मंदिर के पास नहीं खड़ा था, मैं चर्च के पास खड़ा था। हाँ ठीक कह रहे हैं आप चर्च के पास खड़े थे। अच्छा, नागेश और उसके साथियों ने लड़की को उठाकर जिस गाड़ी में रखा वो पुलिस जीप थी? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि वो पुलिस जीप ही थी, पुलिस जीप ही थी, पुलिस जीप ही थी। हाँ, तो अब आपका बयान पुख्ता तरीके से ये है कि रात के 11:30 बजे आप वर्ली नाके से कुछ दूर हनुमान मंदिर के पास से आई एम सॉरी चर्च के पास से गुजर रहे थे, आपने एक लड़की की चीख सुनी, आपने देखा वर्ली विलेज की तरफ जाने वाली रोड के पास रेलवे की पुरानी बिल्डिंग से कुछ लोग एक लड़की को जबरन उठाकर ले जा रहे थे, आपने गुस्से से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उस वक्त नजदीक से एक ट्रेन गुजर रही थी, आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की को एम्बुलेंस में उठाकर डाला और वो चले गए। मेरी बात पूरी तरह से दुरुस्त है? ऐसा ही हुआ था उस घटना में? लड़की चिल्लाई, आपने देखा, आप चिल्लाए, ट्रेन गुजरी, आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की उठाकर एम्बुलेंस में डाला, चले गए। कुछ सुधार चाहते हैं आप इसमें? चाहते हैं सुधार कुछ? नहीं, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। सोच कर बताइए, लड़की जिस गाड़ी में डाली गई वो एम्बुलेंस ही थी? हाँ। मगर अभी आपने बताया वो पुलिस जीप थी। बेहतर यही होगा कि आप अपने लफ्जों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दें। मैं रात को वर्ली नाके से गुजरा। पूरी बात बताइए, पूरी बात। क्या वक्त था, क्या टाइम था उस वक्त घड़ी में? थोड़ा पीछे जाइए, कहां से आ रहे थे आप? कहां से आ रहे थे, बोलिए कहां से आ रहे थे आप? मैं आखिरी लोकल से चेंबूर पे उतरा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा। मास्टर जी, आप वर्ली नाके से गुजर रहे थे, आखिरी ट्रेन से आप चेंबूर नहीं महालक्ष्मी उतरे होंगे? हाँ महालक्ष्मी। हाँ, आखिरी ट्रेन, इसका मतलब है कि आप 12:30 बजे महालक्ष्मी स्टेशन उतरे, 1 बजे वर्ली नाका पहुंचे, इसका मतलब यह है कि यह घटना जो घटी वो 1 बजे के आसपास हुई। हाँ। लेकिन आप तो बार बार ये दोहराते आ रहे हैं अपने बयान में कि यह घटना 11:30 से 11:30 के बीच हुई, और अगर 11:30 से 11:30 बजे तक आप वर्ली नाके पे थे तो महालक्ष्मी जिस ट्रेन से उतरे थे वो आखिरी ट्रेन नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चेंबूर आखिरी लोकल ट्रेन से 12:27 पर उतरा था। नहीं, महालक्ष्मी उतरा था। आप किस ट्रेन से किस वक्त कहां उतरे ये सवाल आपके लिए अभी खड़ा है। खैर, वर्ली नाके की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी घटना देखी, आपके पीछे कोई इमारत थी? हमें हनुमान मंदिर के पास खड़ा था। आपके पीछे मंदिर नहीं था, चर्च था। चर्च बयान में कहा है आपने। आप कभी महालक्ष्मी उतरते तो कभी चेंबूर, घटना के वक्त आप कभी चर्च के पास खड़े होते तो कभी मंदिर के पास, जिस गाड़ी में लड़की को डाला गया वो कभी पुलिस जीप होती है तो कभी एम्बुलेंस। आप अपने ही किस्से को समझाने में अदालत का इतना वक्त ले रहे हैं तो अदालत उस घटना तक कब पहुंचेगी जो आपने देखी? अपनी ही कही हुई बात को बदलना, फिर से कोई नई बात करना, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी किसी भूल किसी झूठ को छिपाने में लगे हुए हैं। झूठा नहीं हूं मैं, मेरी हर बात सत्य है। 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथियों को लड़की को उठाते हुए मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीप थी, और ये हादसा रात को 11:30 बजे हुआ था, और जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पास एक चर्च था।
लेकिन कल रात को 1 बजे चेंबूर नाके पर नागेश ने जिस लड़की को उठाया था उसे उठाकर एक एम्बुलेंस में डाला था, और जहां से खड़ा मैं घटना देख रहा था उसके पास एक हनुमान मंदिर था। ये दोनों घटनाएं अलग अलग है वकील साहब, आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं? इसका मतलब कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी? हाँ, मैंने ये घटना दोबारा देखी। कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया? हाँ, कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया था। लॉर्ड मास्टर जी के इस किस्से के तार को मैं छेड़ना नहीं चाहता। नागेश, जिसे क्राइम ब्रांच के लॉकअप में पुलिस सुरक्षा में पूरे एहतियात के साथ रखा गया है, उसे कल रात मास्टर जी ने चेंबूर नाके पर देखा। माय लॉर्ड, मास्टर जी की दिमागी हालत को बेहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुई रिपोर्ट पर आना चाहता हूं। रिपोर्ट में यह साफ है उन डॉक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बीमारी का शिकार पाया है। क्या मतलब है आपका? एक मिनट, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट। माय लॉर्ड, ऐसे केसेस में पेशेंट की मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो आंखों से देखता कुछ है और समझता कुछ और है। मसलन सड़क पर वो भीड़ देखता है, मजमा लगा हुआ है, तमाशे का लोग मजा ले रहे हैं, उसे लगता है किसी को पीटा जा रहा है। बस या ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में सामने से कोई भागता हुआ नजर आता है, उसे लगता है उसका खून करने आ रहा है। ऐसा आदमी हाथ के रुमाल को सांप समझकर चीख सकता है, किसी के हाथ में पकड़ी हुई कलम को रिवॉल्वर समझ सकता है, टेलीफोन की घंटी को बिजली का कड़कना समझकर घर के खिड़की दरवाजे बंद कर सकता है। ऐसे आदमी के लिए हर चीज के मायने, उसकी पहचान कुछ और बन जाती है। ऐसे आदमी को हर चीज से एक 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 खास किस्म का डर बना रहता है। अभी रुमाल, कलम, टेलीफोन, सांप, बिच्छू, इन सब की बनावट अलग अलग है, इनका कामकाज अलग अलग है, इनका रंग रूप अलग है, बिल्कुल अलग है। अब आप मुझे बताइए मास्टर जी, आपके जेब में क्या रखा हुआ है? मैं आपका खेल समझ गया वकील साहब। मैं समझ गया कि आप अदालत में यह साबित करना चाहते हैं कि सच्चिदानंद अग्निहोत्री, जो इस वक्त इस गवाह के कटघरे में खड़ा है, एक पागल आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पागल आदमी नहीं हूं। मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है, और मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है? मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपकी जेब में क्या है। मेरी जेब में ये कलम है जिससे लिखा जाता है। मैं जानता हूं कि दीवार पर वो जो चीज है वो एक घड़ी है, और उसमें इस वक्त 4:38 हुए हैं। मैं जानता हूं जो आदमी उस मशीन के आगे बैठा है वो एक टाइपराइटर है। मैं जानता हूं कि टेलीफोन से बात की जाती है, कलम से लिखा जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि लोगों की भीड़ में जो औरत बैठी है वो मेरी धर्मपत्री है, उसका नाम गायत्री है, और उसके साथ जो आदमी बैठा है वो मेरा समधी है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा बेगुनाह इकलौता बेटा जो इस वक्त जेल की सलाखों में सड़ रहा है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं जानता हूं कि ये चश्मे का कवर है, और ये पागल साबित करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं ये कलम नहीं, एक रिवॉल्वर है, और इससे आदमी मर सकता है। अब जाना चाहते हैं कैसे? अब जाना चाहते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे। गायत्री, तेरा बाप सर फिरा था, उसने मेरे सामने, जसपाल राणा के सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि मुझे अपने ही हाथों अपने बेटे को लहूलुहान करना पड़ा।
तेरा बाप मर तो गया लेकिन उसकी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग न मिले उसे मोक्ष नहीं मिलता, और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी। कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एक मामूली से स्कूल मास्टर का खून इतना गर्म होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। कामले, ठंडा करो इसे, ठंडा करो इसे। यथा विहाय नवानि गृहणाति वरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवनानि कन्यानि संयाति नवानि देहि एनं शिवानि जलबाजी क्यों विशाल का आया मेरे बच्चे नहीं आया। मेरे बेटे को जाने दो। मैं संभाली अपने आप को। क्या कह रहे हैं कामले साहब, ये कैसे ऑर्डर्स हुए? एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? चलो चलो जल्दी कसौटी को। जी रुक जाओ। मैंने कहा ना, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता ये अर्थी नहीं कसी जाएगी। छोड़ो। कामले साहब, विशाल मास्टर जी का इकलौता बेटा है, क्या आपका कानून आपकी अदालत ये भी नहीं जानती कि पिता की चिता को? देखिए गिरी बाबू, कोर्ट के ऑर्डर्स विशाल की भलाई के लिए है। हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ हुंडे जैसे लोग विशाल की गेम करना चाहते हैं। उसके बाहर आने से शहर में खून खराबा हो सकता है, और इन ऑर्डर्स के साथ हमें इंस्ट्रक्शन है कि मास्टर जी का अंतिम संस्कार 7 बजे से पहले पुलिस सिक्योरिटी में हो जाना चाहिए। ये सब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए। जला दीजिए इन्हें, जिस तरह अदालत चाहती है उसी तरह जला दीजिए इन्हें। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए। बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसानियत की पूजा करते रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए। चलो भाई लो लो, जला दो, बांधो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कामले, राग का ढेर सिर्फ ये सच्चिदानंद अग्निहोत्री नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से जसपाल राणा से लेके तुझ तक सब बनेंगे ढेर, राग के ढेर। जो भी जख्म थे इनके सर में थे वो हमने साफ कर दिए। ये कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, ये मंगवा लीजिए। साहब।
खबरदार अगर जेब से चिट्ठी निकाली बंटेश्वर। राणा साहब मैं तो रुमाल निकाल रहा हूँ जी। अब देखिए राणा साहब, इस बार बड़े भैया ने कौन सी चाल चली है। लिखा है भतीजी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेच दूं। अब आप ही बताइए राणा साहब, जमीन को बेचकर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी। वो हमारे पुरखों की जमीन है जी। किस जमीन की बात कर रहे हो? वही 2.5 बीघा धौलपुर से फिर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है जी। निकालो। हेलो। अच्छा राणा साहब, विशाल जेल तोड़कर भाग गया। कांबले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा, तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। चला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना, इडियट। नागेश कहाँ है?
राणा साहब विशाल को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स हैं। आप देखते जाइए, 24 घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी। हेलो राणा, तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने। क्या? हेलो, तेरी वजह से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था, मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नागेश को किसी शमशान में जलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कपासवाड़ी के पीछे एक कटर के पास जलाया है। राणा, वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी, देर करेगा तो राख। क्या हुआ राणा साहब, ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये नागेश है, नागेश। मैंने पहले दिन इससे कहा था भैया शर्मा मत, जो भी बात कर लिए कर लो सीधा। डैड, अगर जोक भी करो इसे तो सीरियस हो जाता है ये। सीरियस तो है ही ये। ऐसा ही है ये, अगर चार टांगे होती तो इसका जवाब पूछो इसे। सही है सही है, अगर चार टांगे होती ना इसकी तो। क्या हाल है प्रधान साहब, अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा है विनोद, अमेरिका में डॉक्टर है। ये मेरी बड़ी बहू है और ये मेरा छोटा बेटा है, पटना में फैक्ट्री प्लान कर रहा है। ये मेरी वाइफ। और ये मेरा पोता है रिको। रिको, मेरा नाम विशाल है, मैं तुम्हारे दादाजी का एक क्लाइंट हूं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है, जिसका क्या हल होगा मुझे नहीं मालूम। तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी क्या हैं? मैं बताता हूं, कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगह बनाई है इन्होंने। अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेंका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है। सच और झूठ के फर्क का ये यूं खुलासा करते हैं, यूं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उठती। आदमी तो इतने नेक हैं कि खुद की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते।
तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है? चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। बचपन में तुझे एक अध्यापक ने सुधारा था, उस अध्यापक की वजह से तुझे एक नई दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वजह से। मुझे माफ कर दो। लगता है उसने फोन की लाइन काट दी है और उसने दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं प्रधान साहब, बड़ी बड़ी अदालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो वह हाथ जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कोर्ट में तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर। कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। दिखता तो तू इंसानों जैसा है, तो टांगे मुंह हाथ सर, पर तेरी नस्ल तेरी कौम कुछ और ही है। तू इस दुनिया से अलग है प्रधान, और हम अलग देखना चाहता है। देख मेरे खून का रंग लाल है, तेरे खून का रंग लाल नहीं हो सकता। मशहूर वकील अशोक प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना कि एक बाप को नहीं बाप को कंधा दे रहे हो। हेलो, हेलो, हेलो कानू साहब, मैं नागेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? नागेश, मैं नागेश बोल रहा हूँ। कौन नागेश? अरे कानू साहब, मैं नागेश बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। नागेश तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ काबले साहब। कहाँ से बोल रहे हो इस वक्त? ये कोई मुकेश मिल नाम की जगह है, कुलाबा में समंदर के पास। तुम फिक्र मत करो नागेश, मैं अभी वहाँ पहुँचा। अच्छा मुझे ये बताओ आदमी इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो बाहर खाना लाने गया है। मेरे को बहुत डर लग रहा है कानू साहब, प्लीज आप जल्दी आइए। कानू साहब प्लीज जल्दी आइए। तुम डरना मत नागेश, मैं अभी वहाँ पहुँचा। जल्दी करो, हरी आप। ए, थोड़ा इसे। Yeah!
हेलो राणा साहब, मैं पाटिल बोल रहा हूँ। विशाल यहाँ नेशनल होटल में बैठ के चाय पी रहा है। साहब यहाँ नहीं रुक सकते, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। गाड़ी रोक, रोकता हूँ, रोक गाड़ी। नागेश, नागेश, यहाँ तो गाड़ी रोक दी, आगे आगे ले, चलो आगे बढ़ा। नागेश, नागेश, अरे टैक्सी को रोको, नागेश, नागेश, मेरे बच्चे, नागेश, नागेश, नागेश। तुमने जेल में आकर मुझसे क्या कहा था? विशाल अग्निहोत्री, मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाओगे, याद है? अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त? जी आपके साथ, बचाओ 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 बचाओ। बटेश्वर, धुलाई से बचना है तो निकल ले धौलपुर, राणा जी तो गए। चलो उड़ा दो। यस। पहुंच
मिस्टर विशाल, तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारी उम्र कैद को कम करके
सिर्फ 4 साल कर दिया जाए। कम मत कीजिए मेरी सजा, मत कम कीजिए मेरी सजा में से कुछ साल कम करके आपके हाथ से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। अरे अगर कुछ काम करना ही है तो फिर हालात ऐसे बनाइए कि फिर मेरे जैसा विशाल यहाँ बैठकर आप लोगों को शर्मिंदा ना करे। आए थे मेरी सजा कम करने। मेरी सजा कम करेंगे।